मेरा नाम संगीता मेलग है और मैं नागपुर से ही हूँ। और ये ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था हमारा कि पुराना और नया दोनों का संगम, मतलब ओल्ड एज और न्यू जनरेशन, ये दोनों को मिला के जो हमने एक संगम बनाया है। और हम लोग इस बात की पुष्टि करने के लिए हम लोग ये एग्जीबिशन लगा रहे हैं। मैम, इस जैसे एग्जीबिशन आपने और भी किए हैं यहाँ पे? मैंने पहले बार किया था एक बार, लेकिन अभी इस बार ऐसा हुआ कि थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत थी इनको भी और मुझे भी, तो वो हमारा बहुत अच्छा ट्यूनिंग जम गया ओल्ड और न्यू जनरेशन का, तो उसको देखते हुए हमने ये काम के लिए आगे बढ़ाया। तो इस एग्जीबिशन में आपने क्या चीज़ें वो रखी हुई है? हमने एक्चुअली हमारा मेन मोटो था कि जो लेडीज़ घर से बाहर शॉप्स लेके नहीं काम कर सकती, लेकिन उनकी एक अंदर से इच्छा रहती है कुछ करने की, तो महिला उद्योजिका जिसको बोल सकते हैं, तो वो काम वो घर से करती हैं, तो उनको हमको एक प्लेटफॉर्म देना था। तो उस प्लेटफॉर्म के नीचे ये सारी लेडीज़ हैं और हमारा काम है एग्जीबिशन में लोगों को बुलाना ताकि वो इंट्रोड्यूस भी हो और उनकी घर बैठे इनकम भी हो। तो ये थे आज के इस एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइज़र, और इनके साथ ही हमारे साथ एक ओल्ड एज एंड यंगस्टर जिन्होंने अभी अभी कहा मैम ने कि ये एक ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन का ये एक प्लान था, तो हम मैम से भी बात करेंगे। मैम, आपका नाम? माझं नाव श्रुती भोंगाडे। तुम्ही तुमच्या विषयी काही सांगा। माझं ते फर्स्ट एक्सपिरियन्सच आहे, मला हे असं करून खूप छान वाटत आहे। आणि मेन म्हणजे लोकांना एक प्लॅटफॉर्म मिळत आहे, त्याच्यापेक्षा मोठी गोष्ट अजून कुठलीच नाही माझ्यासाठी। आणि लोकांचा रिस्पॉन्स पण बराच मिळालेला आहे, आणि बस एवढंच सांगेल। आणि मला खूप छान आनंद होतो आहे हे सगळं बघून आणि करून। हमारे साथ थे इस एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर्स, तो अभी हम इस एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करेंगे, तो चलते हैं हम इस एग्जीबिशन की तरफ। दोस्तों, इस एग्जीबिशन का ये शुरुआत है, सौरभ नमकीन जैन चिवड़े वाला से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेक्षक बहुत ही आए हुए हैं इस एग्जीबिशन में। तो ये चिवड़े की क्या खासियत है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है, हम इनसे एक बार पूछ लेते हैं। जैन चिवड़ा बोलो तो हमारा स्पेशल चिवड़ा है, और वो उसमें प्याज लहसुन नहीं रहता है, सादा और सबसे अच्छा और सस्ता। और ये चिवड़ा आप तो घर पे बनाते हो या आपकी फैक्ट्री है? नहीं, हमारा बिल्कुल छोटा सा काम है, हम होलसेलिंग नहीं करते, हमारे को डायरेक्ट ग्राहक के पास में पहुंचने को ना, वो हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा माल बनाते हैं। हम जीरो से चालू किए, अभी हमारा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा आगे। दोस्तों, हमारे साथ है अवध फाइन आर्ट्स, ये नेक्स्ट शॉप है यहाँ पे इस एग्जीबिशन की। ये नेक्स्ट शॉप है जहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आर्ट का एक संगम दिखाई देता है। तो हम बात करते हैं इस अवध फाइन आर्ट्स के ओनर से। मैं अवध फाइन आर्ट्स से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम मानवी भिवगड़े है और मैं खुद आर्ट क्रिएट करती हूँ। ये जैसे म्यूरल आर्ट बोलते हैं इसको, मैं इसके ऑर्डर्स वगैरह लेती हूँ। और साथ में 5D पोस्टर्स, ये देख रहे हैं आप, ये 5D पोस्टर्स ये भी रखती हूँ ताकि कस्टमर इसमें भी इंटरेस्टेड रहे। और इसके तो मेरा ऑर्डर कलेक्शन का, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, जिन्होंने यहाँ पे कुछ उनके आर्ट्स, पर्सनलाइज आर्ट्स रखे हुए थे। ये हैंडमेड है, पूरा का पूरा हैंडमेड है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको ये ऑर्डर करना चाहिए तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही ये उन्होंने हैंडमेड बनाया हुआ गौतम बुद्ध जी का एक फ्रेम है, आप इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो मैम बैठे हुए यहाँ पे भी ये हैंडमेड बनाया हुआ ही है। तो जिन लोगों को लगता है कि इसे ऑर्डर करना है, तो देखिए ये बहुत ही प्यारा सीनरी बनाया हुआ है। सो इस शॉप का भी मैं डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा कॉन्टैक्ट नंबर, शॉप का डिटेल्स, ये सभी जानकारी दूंगा। जिन को लगता है कि उन्हें ये फाइन आर्ट्स पसंद आया है, जिनको ये परचेस करना है, कोई किसी को गिफ्ट करना है, तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप डायरेक्टली। और फिर से मैं, ये भी कैनवास इन्होंने हैंडमेड ही बनाया हुआ है। और ये एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइज़र संगीता मैम यहाँ पे आए हुए हैं, साथ ही साथ श्रुति मैम भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट शॉप। हम अभी इस नेक्स्ट शॉप की तरफ आ ही रहे थे, तो यहाँ पे कुछ इनके कस्टमर्स आए हुए हैं,
तो हम इनके कस्टमर से भी कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे, उनको ये शॉप कैसा लगा, यहाँ से जो परचेस उन्होंने किए हैं जो भी, तो उसमें कैसा है क्या है, वो सभी चीज़ें हम इनसे पूछेंगे। मैं नीला देशपांडे, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैंने खरीदिया क्या, मुझे अच्छा लगा ये सनमान लॉन में, मुझे पता नहीं था यहाँ पे है करके। मैं मेरे फ्रेंड के साथ आई हूँ और संगीता मेलक मेरी फ्रेंड है, हम लाफ्टर क्लब के फ्रेंड है, और मैंने यहाँ से बहुत सारी खरीदी, चादर वगैरह, बेड शीट, बहुत अच्छे है। ये एग्जीबिशन की खासियत क्या लगी मैम आपको? खासियत मुझे अच्छा ही है, सब अच्छा ही है, हम चादर वगैरह, बेड शीट, पिलो कवर, ड्रेस मटेरियल, ज्वेलरी, ड्रेसेस, बहुत ही अच्छी। तो ये थे हमारे साथ दोस्तों। मिट्टी के बर्तन यूज़ करना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मिट्टी के बर्तनों में बहुत ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, इस पोषक तत्व से सेहत अच्छी रहती है। मैं आप सभी को एक चीज़ दिखा रहा हूँ, इसमें इनका एड्रेस दिया हुआ है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो जिन जिन लोगों को लगता है कि इस एक्सपो में वो नहीं आ सकते, तो वो इस वीडियो के जरिए इन तक पहुँच सकते हैं, इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस मिट्टी के बर्तनों को मंगवा सकते हैं। तो ये थे ठाकुर मैम हमारे साथ, चलिए, थैंक यू मैम। इसी के साथ हम हैं श्री कृष्ण कुर्तीस में, ये नेक्स्ट शॉप है, जिनके ओनर खुद ऑर्गेनाइजर मैम हैं, श्रुति मैम यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये भी देख रहे हैं कुर्तीस, ये कुछ नई तरीके की कुर्तीस दिख रही है, तो मैम से एक बार पूछ लेते हैं। मैम आप बताइए कैसा है ये प्रोडक्ट? और एग्जीबिशन मुझे बहुत पसंद आई, हर चीज़ अच्छी है और अच्छे फिक्स रेट में है, और हमने काफ़ी कुछ खरीदा है, थैंक यू। नेक्स्ट शॉप है ओरिफ्लेम का, ये एक प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे ओरिफ्लेम के इस प्रोडक्ट के रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट है, तो हम उनसे बातचीत करते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। मैं ममता दिप्ते, मेरा स्टॉल यह ओरिफ्लेम का लगा हुआ है, यहाँ आपको ओरिफ्लेम के पूरे प्रोडक्ट अवेलेबल मिलेंगे, और ये थे हमारे साथ साई एनएक्स के ओनर, जिनका नाम है विक्की गोड़े जी, इन्होंने हमें कुछ जानकारी दी। इनके पास ये स्टॉल पे टॉप्स है, लेडीज कुर्ती है, लेडीज जंपसूट है, भाई ये सभी चीज़ें इनके यहाँ पे अवेलेबल है। आप सबसे यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स इस एग्जीबिशन को विजिट करें और इस एग्जीबिशन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मिलने वाली है ये और कहीं पे आपको इतने कम दाम में नहीं मिलेंगी। सो प्लीज़ जो भी एग्जीबिशन का आनंद लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पे आए। मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, ये बजाज नगर में सनमान लॉन में ये एग्जीबिशन चालू है और ये 9 बजे तक होता है इवनिंग के एग्जीबिशन। सो सभी से यही गुजारिश है कि आप इस एग्जीबिशन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट शॉप की तरफ। नेक्स्ट शॉप है एक ज्वेलरी का शॉप है, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। तो हमारे साथ थे इस ज्वेलरी शॉप के ओनर। सो आइए आप एग्जीबिशन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट शॉप की तरफ। हेलो मिस
सारिका कर्दळे माझी बहीण सायली पांडे आम्ही दोन्ही मिळून ऑर्गॅनिक हँडमेड क्राफ्टेड सोप बनवतो आणि आमचा उद्देश आहे की जे केमिकल सोप वापरून समाजामध्ये जे प्रॉब्लेम्स होत आहेत सध्या स्किनच्या संदर्भामध्ये ते रूल आउट व्हायला पाहिजे आणि खूप चांगला हेतूने आम्ही ह्या प्रोफेशनमध्ये उतरलो आहोत. मी स्वतः इंजिनियर आहे, माझी बहीण सायंटिस्ट आहे, बायोकेमिकल इंजिनियर आहे आणि त्या सगळ्या संदर्भामध्ये आम्ही आमचं प्रोफेशन सोडून ह्याच्यामध्ये उतरलो आहे कारण आमचं हे पॅशन आहे की क्लास टू मास हे प्रॉडक्ट पोचलं पाहिजे, समाजातल्या प्रत्येक स्तरापर्यंत हे पोचलं पाहिजे कारण ही आता काळाची गरज झालेली आहे. मी माझ्या प्रॉडक्ट्सबद्दल माहिती सांगते. आम्ही सगळ्या नॅचरल गोष्टी बनवून हे प्रॉडक्ट्स बनवतो. जसं हा दालचिनी आणि लाईम क्रेस्ट म्हणजे लिंबाचा साल आहे त्याच्यापासून आम्ही हा साबण बनवला आहे. हा मध आणि मिल्क पावडर व्हर्जिन कोकोनट ऑइल ह्याच्यापासून मिल्क अँड हनी ब्लेंड करून बनवला आहे. हा गोट मिल्क सोप आहे. त्याच्यानंतर हा ॲक्टिवेटेड चारकोल आहे. याच्याने फायदे असे होतात की ज्या टीनेजमध्ये मुलांना पिंपल्स त्याच्यानंतर पिगमेंटेशनचा प्रॉब्लेम येतो, व्हाईट हेड्स होतात, या सगळ्यामध्ये हे रूल आउट होतात कारण डर्मेटॉलॉजीची ट्रीटमेंट सगळ्यांनाच परवडते असं नाही. तर हे खूप इकॉनॉमिकल सोल्युशन आहे जे सगळ्यांच्या पर्यंत पोहोचू शकतं. हा पिगमेंटेशन सोप आहे. त्याचप्रमाणे लहान मुलांकरता आम्ही स्पेशली साबण बनवले आहेत ज्याच्यामध्ये ग्लिसरीन आहे, व्हर्जिन कोकोनट ऑइल आहे, कॅस्टर ऑइल आहे, मिल्क पावडर आहे की जेणेकरून त्यांच्या स्किनला कुठलीही हानी पोहोचणार नाही. कारण मोठ्या मोठ्या ब्रँडचे साबण आपण बघतो ज्याच्यामुळे मुलांना हार्म झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. पुरळ येतं, रॅशेस येतात, खाज येते लहान मुलांना आणि ते बघवत नाही इतक्या पद्धतीने ते त्यांना त्रास होतो. त्याच्यामुळे आम्ही ह्याच्यामध्ये उतरलो आहोत आणि आमच्या प्रॉडक्ट्समुळे इतका छान आम्हाला फीडबॅक मिळाला आहे. लोक अवेअरनेस वाढतो आहे लोकांना याच्यामध्ये आणि आम्हाला रिस्पॉन्सही चांगला मिळतो आहे. त्याप्रमाणे आम्ही हे वेगवेगळे ग्लिसरीन सोप्स बनवतो जे तुम्ही डे टू डे लाईफमध्ये रोज वापरू शकता. त्याने तुम्हाला हानी अजिबात नाही आहे आणि माझी ही गॅरंटी आहे की हे जे सोप्स आम्ही बनवलेले आहेत हे तुम्हाला मार्केटमध्ये कुठेही अवेलेबल होणार नाहीत, मिळणार नाहीत. हे आम्ही फक्त बनवतो आणि माझी ही इच्छा आहे की ह्या अंतर्गत सगळ्यांना अवेअरनेस कळावा, सगळ्यांपर्यंत हे पोहोचावं आणि लोकांनी जास्तीत जास्त याचा लाभ घ्यावा या नोबल कॉजने आम्ही इथे उतरलो आहे. धन्यवाद. तर आपल्यासोबत होत्या लावण्या सोप्स अँड ब्युटी प्रोडक्ट्सचे दोन्ही पण ओनर्स. यांचा हा उपक्रम खूपच चांगला आहे फारच. तर मी सर्वांना विनंती करेल की जे एक्सपोमध्ये आलेले आहेत लोक त्यांनी तर याचा फायदा घ्यावाच आणि जे येऊ नाही शकलेले आहेत, जे बाहेरून व्हिडिओला बघत आहेत, त्यांनीसुद्धा या प्रोडक्टबद्दल माहिती घेण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला कॉन्टॅक्ट नंबरवर कॉल करावा आणि यांना संपर्क साधावा. थँक्यू. खरीदना चाहिए तो आप इन्हें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और इसे परचेस कर सकते हैं. थैंक यू. तो चलते हैं नेक्स्ट शॉप की तरफ. इसमें भी भीड़ लगी हुई है. हम बात करते हैं इस कुर्ता शॉप के ओनर से जो अभी फिलहाल कस्टमर के साथ बिजी है. तो माझ्याकडे कराओके माइक आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे. त्याला चांगला रिस्पॉन्स मिळत आहे. त्याच्यामध्ये ब्लूटूथ कनेक्ट होतो. कापूर बाळणी आहे. कापूर बाळणीवर कापूर ठेवून दिला, कापूर जळत राहतो आणि कापूरामुळे छोटे मोठे मच्छर किंवा आता करोना व्हायरसचा जो पॅड चालू आहे तो नाहीसे होतात. हीटिंग पॅड आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे. एक वेळा गरम केला की 2 तास गरम राहतो. याच्यामध्ये शेकायला पण आपल्याला हे होतं. सेन्सर लाईट आहे. हा नाईटलाच नाही चालू होतो, दिवसाला बंद होतो. याच्यामध्ये पण वेगवेगळ्या व्हेरायटी आहेत. वेगवेगळे फ्लावर्स आहेत. ॲक्युप्रेशरचे आयटम आहेत. त्याच्यानंतर सोलर लॅम्प आहेत, चॉपर आहेत. असे वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्यांचे आयटम उपलब्ध आहेत. मला एकदम चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, उत्तम प्रतिसाद आहे.
काल थोडं पावसामुळं थोडंस हे झालं, पण आज चांगला रिस्पॉन्स आहे. नेक्स्ट शॉप है ये साड़ी का और इमिटेशन ज्वेलरी का शॉप है जो कि शोभा साड़ी सेंटर है. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ज्वेलरीज अवेलेबल है. तो बातचीत करते हैं शोभा मैम से, जानते हैं इस एक्सपो के बारे में, एक्सपो में कैसा प्रतिसाद मिल रहा है, रिस्पॉन्स क्या है उनके इस प्रोडक्ट को लेके, सभी चीज़ें इनसे एक बार जान लेते हैं. कान के वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है और साड़ी भी मेरे पास है और मुझे अच्छा यानी थोड़ा सा अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. थैंक यू. मेरा नाम है आभा कटकिया और मेरा ज्वेलरी का है कलेक्शन. इसमें मैंने सब रखा है, जैसे कान के रखे हैं, सेट्स रखा है, क्लचर्स रखा है, चूड़ियाँ रखा है और सारी वैरायटीज है मेरे पास में पूरे. मेरे जैसे 80, 100, 200 सब हर रेंज में रहता है मेरे पास में. रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? काफ़ी अच्छा मिल रहा है, लोग आ रहे हैं विजिट करने. हाँ हाँ, क्योंकि एक्चुअली में हमारे जब जो प्राइस रहेगा वो रीजनेबल रहेगा तो लोग आते. ये नेक शॉप है, इस नेक शॉप भी एक फूड पे ही प्रेजेंट की हुई शॉप है. ये स्नैक्स कॉर्नर है, तो हम जानकारी लेते हैं स्नैक्स कॉर्नर के दोनों भी एंटरप्रेन्योर से कि शुरुआत कैसी है और इनको यहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है. हमारा तीसरा अटेम्प्ट है, इंजीनियर. आई एम एमटेक एंड ही इज एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ही इज ए सिविल इंजीनियर. वी बोथ आर डूइंग दिस फॉर द हॉबी. एक्चुअली वी हैव अनदर बिजनेस कॉल्ड एन एजेंसी. फॉर दैट वी एज अ टाइम पास और एज अ हॉबी वी हैव स्टार्टेड दिस एंड अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स वी गेट ग्रोथ एंड ग्रोथ एवरी डे. सो वी आर डूइंग दिस फॉर द फोर्थ टाइम. थैंक यू. स्वस्तिक चाट सेंटर है. स्वस्तिक चाट सेंटर में चाट से यहाँ पे ये खाओ गली ही बोल सकते हैं हम. सम्मान सेलिब्रेशन हॉल की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया हुआ एक्सपो है. यहाँ पे मैम कुछ कटोरी चाट बना रहे हैं. आज से बहुत सारा डिस्काउंट मिल रहा है और बहुत सारी भीड़ है दुकान में. नैनेश्वर सोना रे. तो हमारे साथ थे नैनेश्वर सोनारे सर, स्वस्तिक चाट सेंटर के ओनर. चाट है तो ये सभी को पसंद आता है. चलते हैं नेक्स्ट शॉप की तरफ, नहीं तो हम यहीं पे चाट खाते रहे बैठेंगे. ये भी एक वेंकटेश सेल्स. यहाँ पे ढोकला मिक्स आपको दिखाई दे रहा है, ढोकला पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ ही साथ ये खास चटनी, खास किस्म की चटनी, ये सोलापुर की चटनी है. हम बात करते हैं इस वेंकटेश सेल्स के ओनर से. हेलो सर.
बिल्कुल ठीक है। ये नेक शॉप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है। कुछ यहाँ पे साड़ीज भी दिखाई दे रही है, साथ ही साथ प्रोडक्ट्स है। ये लावण्य क्रिएशन के स्टॉल पर अभी हम खड़े हैं, तो जानते हैं इनके ओनर से थोड़ी जानकारी लेते हैं। लावण्य क्रिएशन के शॉप पे हमने देखा यहाँ पे। सो अगला शॉप है स्वाति पुटे गृह उद्योग केंद्र की तरफ से, और इनके बहुत ही बेहतरीन और अच्छे हाइजेनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पापड़ है, भाकरवाड़ी है, सेव दी हुई है, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी है। तो हम जानकारी लेते हैं मैम से। मैम नेक शॉप है, एक ज्वेलरी की शॉप है। ये ज्वेलरी की शॉप में भी यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी रखी हुई है, तो मैम से जानकारी लेते हैं। मैम आपकी शॉप का नाम? नीलिमा ज्वेलर्स। हाँ, और ये महाराष्ट्रीयन ज्वेलरी है, इसमें गजरे है, गले का मंगलसूत्र है, चूड़ियाँ है, और कान के वगैरह भी है, सब कुछ है ना, महाराष्ट्रीयन ज़्यादा है यहाँ पे। आर्टिफिशियल ये हाथों से बनाए हुआ पूरा प्रोडक्ट है। तो हम वृंदावन आर्ट्स की तरफ हम अभी आए हैं, हम जानकारी लेते हैं वृंदावन आर्ट्स के एंटरप्रेन्योर की, जिन्होंने ये हैंडमेड सभी चीज़ें बनाई हैं। गणेशा जी भी यहाँ पे हाथों से ही बनाए हुए हैं। हम एक बार पूछ लेते हैं मैम से, ये उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? यहाँ पे भी इमिटेशन ज्वेलरी है, ये भी एक शॉप है। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स है जो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये गुलाब का फूल है, आप देख सकते हो, ये आई थिंक होम प्रोडक्ट है सर। तो हम बात करते हैं इस शॉप के ओनर से। सर आप जानकारी दीजिए इस शॉप के बारे में, क्या है आपका प्रोडक्ट, क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स है, एक तो ब्राउन राइस है हमारे पास में, ऑर्गेनिक गुड़ है, और झाड़ों के लिए जो गुलाब, सेवंती, जासवंत के लिए जो खत लगता है वो हमने टैबलेट फॉर्म में बनाया है, कैप्सूल फॉर्म में, इस टाइप से इससे झाड़ों की ग्रोथ होती है, झाड़ हेल्दी होता है, फ्लावरिंग होता है, जिस हिसाब से ना फ्लावर्स आते हैं इस हिसाब से पूरे। और पिकल्स है हमारा, है ना, ऑर्गेनिक पिकल है वो भी, यानी पूरा घर घर का है ना, हमारे खेत के। मेरा नाम वैशाली मासूरकर है, ये सब होममेड है, जैसे चकली पीट है, ढोकला पीट, अप्पे, अचार, अगरबत्ती, ये सब होममेड है। ये जो प्रोडक्ट है पापड़ वगैरह, ये जो अमरावती का प्रोडक्शन है, और अगरबत्ती का हमारा खुद का प्रोडक्शन है ये। थैंक यू मैम। नेक्स्ट शॉप है, एक ज्वेलरी की शॉप है। ये ज्वेलरी की शॉप में भी यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी रखी हुई है, तो मैम से जानकारी लेते हैं। Thank you.
आर्टिफिशियल ये हाथों से बनाए हुआ पूरा प्रोडक्ट है। तो हम वृंदावन आर्ट्स की तरफ हम अभी आए हैं, हम जानकारी लेते हैं वृंदावन आर्ट्स के एंटरप्रेन्योर की जिन्होंने ये हैंडमेड सभी चीज़ें बनाई हैं। गणेशा जी भी यहाँ पे हाथों से ही बनाए हुए हैं। हम एक बार पूछते हैं